अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर, कीव की घेराबंदी के लिए रूस ने अपने लड़ाई तेज कर दी है। रूस ने पहली बार अपने 9000 सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए बेलारूस भेज दिया है। रूस के सैनिक बेलारूस ऐसे समय पहुंचे हैं जब रूस धमकी दे चुका है कि वो बेलारूस के जंगी जहाजों पर परमाणु हथियारों से लैस करेगा। यानी साफ है कि अब रूस अपने मकसद के लिए बेलारूस को युद्ध में धकेलने की तैयारी में लग चुका है। बेलारूस रूस का बहुत ही अभिन्न एलाय यानी कि साथी माना जाता है। इससे पहले भी युद्ध की शुरुआत में कीव की मोर्चाबंदी और घेरेबंदी की शुरुआत जो की थी तो भी रूस ने बेलारूस की सरजमीन से ही अपनी सेना को भेजा था। बेलारूस के रास्ते कीव में आएगी तबाही। बेलारूस पहुंचे रूस के 9000 लड़ाके। यूक्रेन पर अब बेलारूस से बरसेगा बम। यूक्रेन ने भीषण तबाही देखी, अपने शहरों में बेहिसाब बर्बादी देखी, लेकिन उनके सैनिक डटे। रूस की सेना के हर वार पर पलटवार, कई इलाकों में तो रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुतिन ने भी प्रण लिया हुआ है कि वो यूक्रेन को हर हाल में घुटनों पर लाकर मारेगा। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि रूस में 3 लाख रिजर्व फोर्स के गठन का ऐलान हुआ। अब जब रूस ने अपने रिजर्व फोर्स करीब करीब तैयार कर लिए हैं तो यूक्रेन को परास्त करने के लिए नई चाल चल दी है। पहली बार बेलारूस से यूक्रेन पर आक्रमण की योजना सामने आई है। रूस के 9000 सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि सैनिकों की ये महज पहली किश्त भर है। अभी और लड़ाके बेलारूस में इकट्ठा होंगे। रूस के सैनिक जैसे ही बेलारूस पहुंचे, रूस की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया। कहा गया, अब यूक्रेन पर बेलारूस से हमले की योजना है। इसमें बेलारूस से यूक्रेन पर हवाई हमले भी होंगे। यानी साफ है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए नई योजना को जमीन पर उतारने का खूंखार प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन पर दो तरफ से हमले की योजना है। पूर्वी हिस्से में पहले से यूक्रेन और रूस की सेना के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। अब उत्तरी इलाके से कीव को घेरने की तैयारी। बेलारूस से यूक्रेन पर हमले की तैयारी इसी योजना का हिस्सा है। बेलारूस की सीमा यूक्रेन के शहरों से बेहद लगी हुई है। बेलारूस के शहरों से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर भर की है। यहाँ से कीव को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ऐसे भी रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो बेलारूस के जंगी जहाजों को एटमी बम से लैस करेगा। यानी बेलारूस से कीव सीधे सीधे निशाने पर आ जाएगा। उधर बेलारूस के एक मंत्री ने अपने बयान में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है, लड़ाई के लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार है। इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो अपनी जमीन रूस को सैन्य इस्तेमाल के लिए देंगे। यानी यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए बेलारूस रूस के साथ कदम ताल कर रहा है, जो बड़े विनाश की तरफ इशारा कर रही है। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, यूक्रेन और रूस की सेना दोनों आक्रामक होती जा रही है, जो बड़े तबाही को हवा दे रही है। अब वहीं यूक्रेन जंग में बेलारूस खुलकर रूस का साथ दे रहा है। पहले अपनी सैन्य जमीन देने का ऐलान किया, अब रूस के सैनिक बेलारूस पहुंच गए। तो सवाल यह है कि बेलारूस रूस का साथ क्यों दे रहा है? एक्सपर्ट बताते हैं कि बेलारूस अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। बेलारूस को रूस सबसे ज्यादा कर्ज भी देता है। बेलारूस की रूस पर निर्भरता से उसका झुकाव रूस की ओर है। पुतिन बेलारूस को रूस में शामिल होने के लिए दबाव भी बनाते रहते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग वहां बेलारूस रूसी मूल के हैं। अब बेलारूस की सीमा यूक्रेन के साथ नेटो देशों की सीमा से भी जुड़ती है। अब
अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद रमजान कादिरव ने नया खूनी फरमान जारी किया है। पुतिन को कादिरव ने जीत दिलाने के दावे के साथ वॉर प्लान चेंज कर दिया है। खूंखार रमजान कादिरव यूक्रेन में एक नई रेजिमेंट के जरिए बड़ा तहलका मचाने जा रहा है। ये खबर आ रही है चेचन लड़ाकों की ये बटालियन बर्बर हमले को अंजाम देने के लिए बहुत कुख्यात है। कादिरव की सेना चल पड़ी। खून देखकर नाच रही, वो बम धमाके पर झूम रहे हैं। जंग खत्म कर देगा कादिरव। लश्कर देखिए, टैंकों की पलटन देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों का जत्था देखिए। सोल्जर के हथियार देखिए। चेचन्या के खूंखार लड़ाकों का जंगी जुनून देखिए। सबसे क्रूर कमांडरों को जंग के मैदान में भेजते कर्नल जनरल रमजान कादिरव का कॉन्फिडेंस देखिए। यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़े उलटफेर का दारोमदार अब इसी फौज पर है। दुश्मनों की सेना को तहस नहस करने का ऑर्डर रमजान ने जारी कर दिया है। युद्ध में जाने से पहले रमजान कादिरव ने खूनी टुकड़ी को खून खराबे का लेक्चर दिया है। यूक्रेन पर ऐसे जोरदार हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जिसकी त्रासदी रूह कपा देगी। चेचन्या के सुप्रीम लीडर ने एक फौजी का जोश बढ़ाया। अपने भाषण में रमजान ने यूक्रेन ही नहीं नाटो फोर्स को भी बर्बाद करने का दम भरा। Победа, говорю, отчащих воец. Времена не выбирают. Выбирают нас. Нашу суд и честь сопоставляя. Родина в опасности, а значит пробил час. Крепость духа в каждом проверяя. Лихолетие грянуло, и момент настал. Этот гимн звучит, и реют флаги. И солдат отчизны против зла восстал. НАТО се такрайка Кадыров. खालिद बिन वालिद का वास्ता, पुतिन के लिए जान की बाजी, एम फैक्टर से बदलेगा युद्ध। बारूदी अग्निबाणों की बौछार के बीच गूंजते इन नारों को सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं रमजान कादिरव के हिंसक सोल्जर। रॉकेट की आतिशबाजी के बीच मजहबी नारों का शोर यूं ही नहीं उछाला जा रहा है, ये रमजान कादिरव का पैतरा है। यूक्रेन की युद्ध में अब हर वार पर ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा। सिपाहियों को दुश्मन के जख्म पर नाच कर नमक छिड़कने का हुक्म कादिरव ने दिया है। रमजान कादिरव ने यूक्रेन में बर्बादी मचाने के लिए नई रेजिमेंट का गठन किया है। कादिरव ने सेवर अखमत स्पेशल पर्पज रेजिमेंट का गठन किया है। इस रेजिमेंट में सिर्फ नए रंग रूटों की भर्ती की गई है। इस रेजिमेंट की कमान कादिरव ने ब्रदर जैंडी जिंगीव को दी है। चेचन फोर्स के इस यूनिट को कादिरव ने ऐसी दीवार का तमगा दिया है जो अभेद्य है।
अखमत बटालियन में शामिल कमांडो का ब्रेन वॉश कर इन्हें आत्मघाती बनाया गया है। मतलब ये कि जंग के मैदान में मौत इनके लिए मायने नहीं रखती। अस्पताल में घायल अपने साथी सोल्जर को देखने आए एक जवान का जज्बा देखिए। Попали, получается, центральная городская больница города Луганск, получается, вот ребята, которые являются реально героями, потому что вот мне очень приятно от них слышать слова, что они говорят. यही सरक रमजान कादिरव का तिलिस्म है।